ऑन आई होप यू ऑल आर डिंग इन योर स्टडीज तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ई एस आई सी आर आर बी एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन सो so, जो बच्चा इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है और न्यू है इस चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ तो सिक्स थर्टी क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज करने जा रहे हैं सिक्स थर्टी वन क्वेश्चन सिक्स थर्टी में से अगर आपको एक या फिर पाँच या फिर छः या फिर दस बीस जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके उतने नंबर पक्के हो जाएंगे तो प्रीवियस वीडियोस बच्चे ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस फुली एक्सप्लेन मैंने करवाए हैं दौड़ दौड़ के क्वेश्चंस मैं नहीं करवाती हर एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजिली रेगुलरली करवाती हूँ फुली एक्सप्लेन एंड अगर कोई भी बच्चा ई के लिए क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है सो ई एस के क्रैश कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं सेवन डबल नाइन एंड ट्रिपल नाइन का क्रैश कोर्स है सेवन डबल नाइन में आपको एमसीक्यू क्लासेस टेस्ट सीरीज़ एंड डाउट क्लासेस मिलेंगी एंड ट्रिपल नाइन में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एम टेस्ट सीरीज़ एंड डाउट क्लासेज लें मिलेंगी आप आज ही इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी से ट्वेंटी डेज़ के अराउंड बचे हैं और ये बैचेस आपको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट की पॉइंटर्स भी प्रोवाइड करूंगी मैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाऊंगी दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है आज ही आप ये दोनों में से अगर आपको सेवन डबल नाइन ज्वाइन करना है ट्रिपल नाइन तो आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं डीले मत करना एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नॉर्सेट एंड आरआरबी की तो भी टू फोर डबल नाइन का फुल थ्योरी बैच जो है बच्चे स्टार्ट हो गया है जिसमें सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी कराई जाएगी एमसीक्यू क्लासेस होंगी डाउट क्लासेस होंगी टेस्ट सीरीज़ होंगी सारी चीज़ें इस बैच में आपको प्रोवाइड की जाएंगी फोर मंथ का प्रॉपरली आर आर बी एंड नॉर्सेट का बैच है सो so नंबर आपकी स्क्रीन पर है आप मेरे से बात करके कॉल पर या फिर मैसेज पर आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते सो क्वेश्चन so पे चलते हैं सिक्स थर्टी वन क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एल्कोहल सिम्टम्स सो इसमें से कौन सा जो है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम नहीं है सो so, ध्यान से देखोगे एंगजाइटी इंसोमिया यूफोरिया ट्रेमर्स एंड हेलुसिनेशन व्हाट इज़ अल्कोहल विड्रॉल जब भी किसी अल्कोहलिज्म वाला पेशेंट आपके पास आता है जो कि अल्कोहल एडिक्टेड होता है और आप उसका अल्कोहल जो है कट ऑफ कराते हो ठीक है कट ऑफ कराने के बाद पेशेंट को अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम आते हैं कोई भी एडिक्शन है जब एकदम से छोड़ी जाती है आफ्टर कट ऑफ़ उसके विड्रॉल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं ठीक है ना वो विड्रॉल सिम्टम हम जमेल कोहल वाले पेशेंट में कौन सा नहीं देखने को मिलता और अगर आप लोगों ने ये किया है तो आपको पता होना चाहिए सो so, हमें कौन सा नहीं देखने को मिलता यूफोरिया देखो सबसे पहले तो पेशेंट में हमें देखने को मिलता है फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम इज योर ट्रैमर्स ठीक है ट्रैमर्स मोस्ट कॉमनली हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं क्योंकि जो पेशेंट है ना उसका इमोशनली एंड फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है अल्कोहल पे दो चीजों की डिपेंडेंसी होती है पेशेंट फिजिकली भी डिपेंडेंट हो जाता है अल्कोहल पे और साइकोलॉजिकली भी डिपेंडेंट हो जाता है सो so दोनों तरह से ये आपको विड्रॉल सिम्टम्स देता है और पेशेंट में हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है क्लियर सो so, एक क्वेश्चन इसमें से मोस्ट कॉमन और भी देखने को मिला है दैट इज केज क्वाइरीज़, सो केज क्वेश्चनरीज किया जाता है जिसमें हम सी से कट डाउन ए से अनॉयड ये क्वेश्चंस हम पेशेंट से करते हैं सो so इसको लिख लेना जी से गिल्टी एंड ई से आई ओपन सो so, देखो हम पेशेंट से ना चार क्वेश्चन करते हैं कि आप इस अल्कोहल को छोड़ना चाहते हो क्या आप इस अल्कोहल पीने वाली अपनी आदत से परेशान हो क्या आप इस अल्कोहल पीने वाली अपनी आदत से गिल्टी हो क्या या आपकी इस टाइम आप रेडी हो इसको छोड़ने के लिए सो so, ये केज क्वेश्चनरी से ही आप पेशेंट का अल्कोहल विड्रॉल करा सकते हो और इसका मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है टोटल एब्सटेंस लिख लेना टोटल एप्सटीनेंस टोटल एप्स्टीनेंस होगी तभी पेशेंट मोस्ट इफेक्टिवली जो है इसको तोड़ पाएगा और छोड़ पाएगा क्लियर केज क्वेश्चनरीज भी लिख लेना आगे वैसे मैं क्वेश्चन करा दूंगी आपको इसका भी नेक्स्ट पे चलते हैं बल्जिंग लाइक फिल्ड विद स्पाइनल स्पाइनल ठीक है कॉर्ड एलिमेंट्स तो एक बल्जिंग सैक होता है जो कि एक लिजन की तरह होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोसिफिल मिनिंजो माइलोमिनजोसील मिनजोसील स्पाइना बायोफिडा और कल्टा सो देखो दो तरह के स्पाइना बायोफिडा होता है एक होता है सिस्टिका ठीक है दोनों पड़े होंगे आपने और एक होता है कल्टा सो so, आपने ये जब ये दोनों ये दोनों सेम ही है एक में क्या होता है सैक में सारे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और एक में क्या होता है ओनली स्पाइनल जो है हमें फ्लूइड और स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलती है ठीक है पर जिसमें एलिमेंट्स भी आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं माइलोमिनजो सील क्लियर हाइड्रोस्टेवेलिट तो आपको पता है फ्लूइड फील्ड इन द करेनियल कैविटी पेशेंट की करेनियल कैविटी में फ्लूइड फील्ड हो जाता है नेक्स्ट है बच्चे की पोटेंशियल एडवाइस एडवर्स इफेक्ट सॉरी ऑफ सर्जरी एंड एनस्थीजिया आर एज फॉलो एक्सेप्ट सो सर्जरी और एनस्थीजिया का पोटेंशियली कौन सा एडवर्स इफेक्ट होता है एक्सेप्ट आज मैं एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करिएगा एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आज आपको सो so, देखो पोटेंशियली कौन सा एडवर्स इफेक्ट होता है जब किसी की सर्जरी और एनेस्थीजिया लगता है इनमें से एक्सेप्ट कौन सा नहीं होता थ्रोबोसेस फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल और स्टेसेस मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मायोकार्डियल डिप्रेशन रेडिकार्डियन सर्कुलेटरी कोलाब्स सो डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस जो है ना वो हमें नहीं देखने को मिलता अगर किसी की सर्जरी हुई है एंड एनेस्थीजिया हुआ है क्योंकि फुल सर्जरी और

नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहेवियर क्लूज ऑफ इम्पेंडिंग पेशेंट एक्सेप्ट फिर से एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि कौन से बिहेवियर क्ल्यूज देता है पेशेंट जब वो सुसाइड का सोच रहा होता है एक्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं देगा वो बिहेवियर क्ल्यू गिव अवे वैल्यूएबल थिंग्स वो अपनी अपनी वैल्यूएबल थिंग्स जितनी भी प्यारी प्यारी चीज़ें होंगी सारी आपको दे देगा बिकम एनर्जेटिक आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्वीयर डिप्रेशन उसे एकदम से स्वीयर डिप्रेशन के बाद वो एकदम से एनर्जेटिक हो गया विड्रॉफ

कर देता है प्रॉपरली वो किसी के साथ बात नहीं करता क्योंकि अब उसे है कि मेरा समा आ गया है तो ये तीनों चीजें तो वो शो करता है पर ये चीज नहीं शो करता वो सो so, एक्सेप्ट का आंसर ये आएगा क्लियर नेक्स्ट है करंट जेली लाइक स्टूल कंटेनिंग म्यूकस अमंग थ्री मंथ्स टू थ्री ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव सो अगर किसी को करंट जेली लाइक -like स्टूल आता है और म्यूकस भी आता है थ्री months से थ्री ईयर्स तक के बच्चे को तो उसको क्या हो सकता है हिशप्रांग्स डिसीज एबडामिनल हार्निया इंट्योसिसेप्शन मेकअल डिवर्टिकुलिज्म सो ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं इंट्यूसिसेप्शन जो है और करंट रिबन लाइक -like स्टूल हमें हिशप्रांग्स डिसीज़ में देखने को मिलता है सो वॉट इज इंस्टूसैप्शन की टेलीस्कोपिंग हो जाती है इंटस्टाइम की एक दूसरे के बीच में ठीक है ऐसे एक दूसरे में टेलीस्कोप कर जाती है इंटरस्टाइंस तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले अगर आप लोग कोई भी बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आज ही बैच ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पे मेरे से बात या फिर कॉल या फिर मैसेज करके ठीक है देखो दो क्रैशेज़ हैं फॉर अ सेवन जुलाई वाले पेपर के लिए दो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं ट्रिपल नाइन एंड सेवन डबल नाइन बहुत ही अफोर्डेबल है टेस्ट सीरीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी आपको इनमें बट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलेंगी ट्रिपल में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेज मिलेंगी ऑल सब्जेक्ट्स की एम होंगे टेस्ट सीरीज होंगी एंड डाउट क्लासेस होंगी 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 एंड एंड प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर पेपर पेपर होंगे होंगे में में टेस्ट सीरीज क्लासेस डाउट आप इन दोनों में से कोई भी क्रैश कोर्स जो आपको अफोर्डेबल लगता है और अगर आपको लगता है सिर्फ एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज ही प्रैक्टिस करना है तो ये ले सकते हो अगर आपको लगता है कि इन ट्वेंटी डेज में मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने हैं तो ये भी ले सकते हो ठीक है सो दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड है आपको लाइव भी मिलेगा एंड रिकॉर्डेड्स भी मिलेंगी ये स्पेसिफिकली ई एस आई सी के लिए ही क्रैश कोर्स है एंड अगर आप आर आर बी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो लाइक like बहुत से बच्चे थे मैम कब स्टार्ट हो रहा है आर आ बी एंड नॉर्सट का बैच तो स्टार्ट हो चुका है टू फोर डबल नाइन का बैच है ठीक है फोर मंथ्स का वन टाइम पेमेंट है जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा सबसे पहले इसमें मैं आपका बेसिक क्लियर करूँगी क्योंकि एंड फिजियोलॉजी किसी की आज क्लियर नहीं है उसके बाद थ्यूरी मैं आप लोगों को करवाऊंगी प्लस आपको टेस्ट सीरीज एंड एम सी क्यूज़ प्रोवाइड होंगे प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेज होंगी प्लस सारी चीज़ें डाउट क्लासेस प्रीवियस पेपर सब होने वाला है बैचेज में आरआरबी के भी और ईएसआईसी के भी तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डीलिंग सो so, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं सिक्स थर्टी सिक्स क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। इन चिल्ड्रन्स रे सिंड्रोम इज़ एसोसिएटेड बाय सो जो रे सिंड्रोम होता है बच्चों में देखा जाता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है ठीक है रेस सिंड्रोम से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और अल्टीमेट क्वेश्चंस देखे गए हैं हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बिलेडिकॉलिक सिकल सेल क्राइसिस यूज ऑफ एस्परिन विद वायरल इलनेस तो कभी भी कभी छोटे बच्चे को अगर वायरल इलनेस होती है और वो एस्परिन का इंटेक करता है तो उसे रे सिंड्रोम देखने को मिलता है रे सिंड्रोम होता क्या है रेयर सीरियस कंडीशन है जो कि कन्फ्यूजन लिख लेना इसको कन्फ्यूजन कॉज करती है स्वेलिंग इन द ब्रेन करती है स्वेलिंग इन द ब्रेन करती है एंड लिवर को डैमेज करती है ठीक है इट्स अ नॉन इन्फ्लामेटरी इंसेफ्लोपैथी विद फैटी लीवर डिसीज़ क्लियर सो ये आपको याद रखना चाहिए रे सिंड्रोम चिकन पॉक्स और फ्लू वाले पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है अगर वो एस्परिन लेते हैं नेक्स्ट है कंप्रेशन ऑफ सेवंथ क्रेनियल नर्व इन द टेम्पोरल बोन इज नोन एज तो सेवंथ क्रेनियल नर्व का कंप्रेशन हो जाता है टेम्पोरल बोन में उसको हम क्या बोलते हैं गुलियन बैरस सिंड्रोम मल्टीपल स्क्लोरोसिस बेल्स पाल से माइस्थेनिया ग्रेविस सो ऑब्वियसली हम उसको बोलते हैं बेल्स पाल से सो क्रेनियल फेशियल नर्व की डैमेज हो जाना अ परसन हु बिकम्स शॉर्ट ऑफ ब्रेथ विद लिटल एक्जर्शन सच एज वेन ईटिंग अ मील हैज़ वट काइंडफ़ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है जब पेशेंट को कुछ थोड़ा सा करके भी और खाना खाते टाइम भी तो कौन सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है चाइन स्टॉक रेस्पिशन डिसिपनिया हाइपर वेंटिलेशन स्टीराइडल सो इट्स अ डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग इज नोन एज डिसिपनिया बिकॉज लिटल एक्जर्शन से भी पेशेंट की बॉडी थक रही है नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू अवॉइड इन अ थेरापेटिक कॉम्युनिकेशन आर एज फॉलो एक्सेप्ट तो कौन से रिस्पॉन्स जो है थेरापेटिक कम्युनिकेशन में आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए एक्सेप्ट कौन सा नहीं करना चाहिए एडवाइस गिविंग क्लोज एंडिंग क्वेश्चन रिफ्लेक्टिंग एंड क्लेरिफाइंग आर्गुइंग एंड जजमेंटल रिस्पांस सो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से मुझे लिख के बताओ क्योंकि ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है तो मैं जानना चाहती हूं कि आप कैसे आंसर करते हो रिस्पांस टू अवॉइड इनमें से तीन चीजें हैं जो कि आप अवॉइड करोगे थेरापेटिक कम्युनिकेशन में बट एक नहीं करोगे क्लियर नेक्स्ट है द प्री टर्म लेबर इज व्हेन इट अकर्स बिटवीन तो प्री टर्म लेबर कहाँ अक्कर होती है 32 से 36 वीक्स 22 से 37 वीक्स 24 से 30 वीक्स 60 से ट्वेंटी वीक्स ऑब्वियसली थर्टी टू से थर्टी वीक्स वाली प्रेगनेंसी डिलीवरी को सॉरी हम क्या कहते हैं प्री टर्म लेबर कहते हैं जो आप लोगों से मैंने कल क्वेश्चन पूछा था वो मैं बता देती हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट

ओनली टेस्ट सीरीज़ नहीं मुझे क्लासेस भी चाहिए मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी चाहिए मुझे एम सी क्यूज़ बल्क में चाहिए तो वो सेवन डबल नाइन और ट्रिपल नाइन का क्रैश कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन करके क्लासेज ज्वाइन करके बहुत सी चीज़ों के डाउट क्लियर कर सकता है कि पॉइंटर्स इन लोगों को प्रोवाइड होंगे पेपर से पहले प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशनज होंगी सो ट्रिपल नाइन का क्रैश कोर्स है टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक एम सी क्यूज डाउट क्लासेज प्रीवियस ईयर पेपर और सेवन डबल नाइन का है टेस्ट सीरीज एम सी क्यूज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर और अगर आप नॉर्थ और आर आरबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो टू फोर डबल नाइन का फोर मंथ्स का बैच जो है स्टार्ट हो चुका है सबसे पहले हम बेसिक करेंगे एन एंड फिजियोलॉजी थ्योरी टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर पेपर एंड डाउट क्लासेस सो एनी डाउट यू कैन आस्क मी बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर इस कॉल मैसेज या फिर कॉल करके इस नंबर पर आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो मिलती हूँ कल की वीडियो में टिल देन डू हार्ड वर्क मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट